अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसान हाशमी और आप देख रहे हैं आसान हाशमी अनसेंसर्ड। नाज़रीन, ज़ालिम होती बड़ी सियासत ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसान हाशमी और आप देख रहे हैं आसान हाशमी अनसेंसर्ड। नाज़रीन, सियासत बड़ी ज़ालिम चीज़ है। मतलब आप देखें कि लतीफ़ खोसा साहब ने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और आज एक उनकी वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन इमरान खान, वो पाकिस्तान पर एक अजाब बनकर नाजिल हुए हैं। मतलब आप आलम देखिए कि लतीफ़ खोसा साहब जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर बैठे हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनके जनाब बड़े गुन गा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि जनाब क्या बात है जी, बुज़ुर्गी में आपने नौजवानी वाला फ़ैसला किया, एक इस बुढ़ापे में आके आपने एक ऐसे पारसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो हक पर है, और हक पर आते ही जैसे ही वो पट्टी दिल पर वो कहते हैं कि डालते हैं पीटीआई की, और साथ एक वीडियो आ जाती है और इमरान खान के हवाले से उन्हें अजाब करार दे दिया जाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन उससे पहले एक ख़बर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त खबर है और बड़ी मज़ेदार खबर है, और मुझे तो इस खबर को पढ़ के बड़ा मज़ा आया। वो खबर ये थी कि आसिफ जरदारी की पीटीआई से इंतखाबात में इत्तेहाद ना करने की हिदायत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई से इंतखाबात में इत्तेहाद ना करने की हिदायत कर दी है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर हाउस पेशावर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की जिसमें इलेक्शन के हवाले से मुशावरत हुई। सवाल ये नहीं है कि ये आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है, सवाल ये है कि ऐसा कहने की नौबत क्यों आई है, सवाल ये है कि ऐसा आखिर उन्होंने कहा क्यों है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब एक बी टीम के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नज़र खाते चल रहे थे, और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है तब भी एक अनअनाउंस्ड अलायंस के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया है। तो पिच के दोनों तरफ खेलने की जो आदत आसिफ अली जरदारी साहब को पड़ी थी, मौजूदा हालात में यहाँ वो मिस कैलकुलेट कर गए और खेलते रहे, जिसके बाद उन्हें फिर वो शटअप कॉल दी गई। तो उसके नतीजे में अब पिछले गुज़िश्ता कुछ अरसे से इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब सिर्फ एक जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, और जस्टिफिकेशंस क्या दे रहे हैं कि जनाब हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी सिलसिले में उन्होंने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था टेलीविज़न चैनल में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी ठीक ठाक रगेदा, उनकी सोशल मीडिया टीम को भी रगेदा, और आसिफ अली जरदारी साहब ने वो ज़बान इस्तेमाल की जो कभी भी वो पॉलिटिकली हमें करते दिखाई नहीं दिया, यानी सख्त लहजे में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सपोज किया। और अब आप देखिए कि राव अनवार का भी चूँकि इंटरव्यू सामने आ चुका है ना, राव अनवार जो इनका बहादुर बच्चा है, तो अब उसके इंटरव्यू को भी एक पैगाम के तौर पर चूँकि इन्हें कहा गया था कि बस ज़रा थोड़ा हाथ थोड़ा रखो, बिलावल साहब को भी कंट्रोल करो या बला बला जो चीज़ें हैं, तो अब इस सिलसिले में मज़ीद उन्होंने वजाहत दी है। ये बेसिकली उन्होंने हिदायत उन्होंने दी अपने कारकुनान को या अपनी पार्टी को, बल्कि उन्होंने ये हिदायत देते हुए असल में पैगाम कहीं और भेजा है कि जनाब हम आइंदा किसी भी तरह का इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं कर रहे। इसके अलावा नाज़रीन, एक नोटिफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, चल रहा है, वायरल है, और इसमें जनाब ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़े सवाल उठाया जा रहा है कि जनाब देखें ये ऐसा नोटिफिकेशन आ गया जिसमें जजेस को एयरपोर्ट पर तलाशी से रोक दिया गया है, उनको सामान की तलाशी नहीं ली जा सकती और कोई भी उन्हें पूछ नहीं सकता, और ख़ासतौर पर सिक्योरिटी जो एयरपोर्ट की है उनको कहा गया कि जैसे ही कोई हाजिर सर्विस जज उसकी बेगम आए तो जनाब इनको फ़ौरन क्लियरेंस दे देनी है। और ये नोटिफिकेशन जो आप इस वक्त देख रहे हैं इसके मुताबिक बताया गया कि जनाब सब्जेक्ट है इश्यूएंस ऑफ एयरपोर्ट पासिस 2023, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर सुप्रीम कोर्ट लेटर नंबर दिस dated 21 September 2023 on the subject cited above and to say that the Secretary of Aviation has been pleased to exempt spouses of serving judges and the Chief Justice of Supreme Court of Pakistan from body search on airport. अच्छा, यहाँ एक बात जहन में रखें कि जो जामे तलाशी है यानी जिस्मानी तलाशी है उससे exemption दी गई है Supreme Court के चीफ जस्टिस और उनकी बेगमात को, और सर्विंग बेगम और बाकी जो जजेस हैं उनकी बेगमात को। अच्छा, अब इस पे तहरीक इंसाफ कह रही जनाब ये तो सामान भी चेक नहीं करते, सामान चेक हो सकता है, लेकिन इवन देन इस तरह के नोटिफिकेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब
क्या इस तरह की कोई डायरेक्शन दे सकते हैं? अगर ये उनकी डायरेक्शन है तो क्या ये आइन के आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी नहीं है? लाइक जिसमें फिर अगर कानून है तो कुछ यकसा होना चाहिए सबके लिए। चले मिसाल है, अगर आपको पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स में नहीं चेक किया जाता, यानी आपकी जिस्मानी तलाशी नहीं ली जाती, तो क्या यही सहूलत आपको अमरीका और बाकी यूरोप के ममालिक में हासिल है? अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से ये इसको रिविज़िट करना चाहिए और इस तरह के नोटिफिकेशन की ज़रूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। इस तरह के नोटिफिकेशन से मेरे ख्याल से वो अदलिया का वक़ार या वो मकाम जो काजी फैज ईसा साहब मेंटेन कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से डैमेज होगा। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, और ऐसे में इस तरह का नोटिफिकेशन आना ये मुझे एक साजिश लगता है, और वो भी काजी फैज ईसा के खिलाफ। कम बैक टू द टॉपिक, लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा, सारी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनकी पहचान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका ओढ़ना बिछोड़ना। लेकिन जब से इमरान खान साहब आए हैं तो लाजमी बात आपको पता है नौजवानों की पार्टी है, तो फिर लतीफ़ खोसा साहब के अंदर की जवानी फूट पड़ी। और उसके बाद आपने देखा कि एहतसाज़ एहसन हो या फिर लतीफ़ खोसा साहब हो, इनका झुकाव उस तरफ था, जिस पर इन्हें शोकाज नोटिस भी हुआ। लेकिन आप ये ज़रा वीडियो देखिए जिसमें वो इमरान खान को एक पाकिस्तान पर अजाब कह रहे हैं, एक अजाब नाजल हुआ है इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान। नाजिन, ये लतीफ़ खोसा साहब की उस वक्त की वीडियो है जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, जिसे छोड़कर ये तहरीक इंसाफ में हैं। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तब वो इमरान खान को अजाब कहते थे, लेकिन अब जब वो तहरीक इंसाफ में आ गया तो अब आसिफ अली जरदारी साहब अजाब है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन दिनों में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या सबक चेयरमैन इमरान खान साहब को अजाब कह रहे थे, उन दिनों में लतीफ़ खोसा साहब को यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो इस वक्त उनके गले में हाथ डाल रहे हैं, उन्हें अयान अली का ब्रोकर कहते थे। आपको याद है ना अयान अली, वही अयान अली जिनके बारे में लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि वज़ीर दाखला अयान अली की आह से बचे तो आह से डरें। आपको याद है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त उनका बयान चला भी था, और इसमें उन्होंने कहा था कि ये बेसिकली इनका केस लड़ रहे थे और अयान अली मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब की कुछ थी, और यहाँ से फिर मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए तकरीबन $5,00,000 थे वो पकड़ी गई, और उसके बाद फिर उनका ट्रायल हुआ। और लतीफ़ खोसा साहब जिस तरह आजकल बुशरा बीबी के वकील हैं, उस वक़्त इनके वकील थे, और इन उन दिनों में अयान अली का ब्रोकर करार देते थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, इन्हीं लतीफ़ खोसा को जिनके आने पर इस वक्त वो धमाले डाल रहे हैं। तो बहरहाल ये सियासत है, और अनफॉर्चुनेटली इस बेअसूली सियासत की वजह से पाकिस्तान इन हालों में है। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।